हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हर एग्जाम में बार बार पूछा गया है, क्या लेके आए हैं हम? आज हम लेके आए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे एरोमेटिसिटी। क्या है एरोमेटिसिटी? ठीक है, अब इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है बेटा कि एक बार आपका क्लियर हो गया तो कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्स हो उसमें आना ही आना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आज इसको पढ़ के हम खत्म कर देते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो क्या हमारा टॉपिक है? देखो, हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन, इसलिए हमने क्वेश्चन बहुत सारा रखा है। हम थोड़ा सोच रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ पढ़ाएंगे तो आप लोगों को जो है ये पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं टॉपिक भी डायरेक्टली पढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है हम इसलिए क्वेश्चन लिए हैं कि आपको पता चले किस तरह क्वेश्चन पॉसिबल है। एक क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड है सब हम लोग पढ़ लेंगे, और इसके बाद आज के बाद एरोमेटिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी कोई भी कंपाउंड हम लोग देख के बता देंगे कि हमारा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। अब यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आज देखने को मिलेंगी और ये हमेशा के लिए फॉर इट विल बी फॉर एवर, देर विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ऑप्शन इज देयर, आई हैव टेकन दिस हियर। क्वेश्चन इज दिस लाइक दिस, Which one of the following is non? मतलब इसमें से कौन नॉन एरोमेटिक है? ध्यान देंगे, इसमें से कौन नॉन एरोमेटिक है? अब देख लिए, पहले हम लोग ऑप्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि कौन एरोमेटिक है, किस केस में हम लोग एरोमेटिक कहेंगे, किस केस में नॉन एरोमेटिक और किस केस में एंटी एरोमेटिक, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख क्या देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम अगर जाए, ठीक है, तो इस ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, ये आप क्या है नॉन एरोमेटिक है। तो आपके क्वेश्चन में दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे हम डिफाइन कर लेंगे कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल क्वेश्चन आना ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करें एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ये आपके नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये आपको नोट कर लेना चाहिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए जिससे फ्यूचर में इससे कोई दिक्कत नहीं। इतने ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ सम कर दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो जब ये टॉपिक आप क्लियर करें। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे एक ही टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में बहुत विस्तृत डिस्कस करेंगे। देखो, अब ये हो गया कि ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ये हम कह रहे हैं कि एंटी एरोमेटिक है। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एंटी एरोमेटिक है ये, आपका नॉन एरोमेटिक है, पूरा नॉन एरोमेटिक बेटा, ध्यान देंगे ये पूरा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और इतने सारे एरोमेटिक हैं, इतने सारे एरोमेटिक हैं, और क्या देखेंगे कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अब हम लोग एक पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन एरोमेटिक क्यों नॉन एरोमेटिक, ये देख लेते हैं, फिर एरोमेटिक क्या होता है। तो क्या हम ये बेटर ये होगा कि हम एक ऑप्शन वाइज चले, जैसे ये नॉन एरोमेटिक है तो कैसे नॉन एरोमेटिक है। अब यहां देखिए, इसमें अगर हम देखें, देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई, ठीक है, 4 पाई, इसमें भी 4 पाई, ध्यान देना, और इसमें क्या है, ध्यान देंगे, इसमें 2 पाई है, इसमें क्या है 6 पाई है, इसमें क्या है 4 पाई, देखना इसे ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें क्या है, इसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसमें ध्यान देना ये जो ऑप्शन है ये 4n इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इमिनो साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने 4n इलेक्ट्रॉन है, 4n 4n और 4n, ध्यान देंगे। अब ये देखिए, इसमें हम देखें, देखो यहां पे 2 पाई 6 पाई 6 पाई, मैं लिख रहा बेटा 10 पाई, ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 पाई, ये 6 पाई हो गया, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये भी
ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ ध्यान रखना, फिर AB6 AB6Y हो जाएगा। ये देखो ये एक्सेप्शन में आ रहा है, इसको आप ध्यान रखना, इसको आप याद करना है, ये रूल से फिट नहीं बैठता। ठीक है, इसमें भी 6Y है। अब देखो यहाँ पे एक चीज में क्लियर हो गया कि क्या है इसमें पाए। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। देखो तो ध्यान देना, कोई भी मॉलिक्यूल ध्यान देंगे एरोमेटिक होने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि प्लेनर होना चाहिए। क्या? मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्लेनर, ध्यान रखेंगे ये प्लेनर। अब प्लेनर क्या होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिड या जितने भी एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिड। ऑल द एटम्स मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल द एटम्स मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब देखो ऑल द एटम्स ऑफ रिंग, ऑल एटम्स ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फर्स्ट केस हो गया। और इन प्लेनर मॉलिक्यूल्स ऑल द एटम्स ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिड। सेकंड है, देयर मस्ट बी कंजुगेशन। इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब यह है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ध्यान रखना है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां लिखूंगा, ध्यान देना, जो जैसे यहां पे हम लोग यहां पर लिख दो, इसे दिखाई दिया लोगों को, एक कबूतर ने क्लियर कर दिया। देखो नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट पॉइंट इट मस्ट हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे ये n जो है ध्यान रखना ये रिंग होता है, नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये देख लिए। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 4n, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। फिर 1 हो जाएगा तो 6π हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 10π हो जाएगा, ध्यान देंगे तो और इसे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, 14π हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 18π हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 22π। ऐसे हमको ध्यान रखना है, ये होगा, ये मतलब ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर कब होगा ये चीज ध्यान रखना है, जिस जो बॉन्ड रिंग में इन्वॉल्व अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्रत्येक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना कि ये केवल इन्वॉल्व है, ये केवल इन्वॉल्व है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे ये भी इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर जो है इन्वॉल्व है बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में, तो ये वाला नहीं इन्वॉल्व है, ध्यान रखना है। यहाँ ये इन्वॉल्व है, अर्थात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ची ध्यान रखना है, विशेष इस चीज को ध्यान रखना है कि प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्लेनर होने के लिए रिंग में जितने भी एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। अब इन सब केसेस में अगर हम लोग देखें तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हमने दिखा रखा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये रिंग डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व, ऐसे इसमें है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर
प्लेनर हमने क्या देखा है यहाँ पे, प्लेनर के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हमने क्या बताया बेटा, कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, क्या हुआ, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। अब देखिए आपको इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना चाहिए जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और ऐसे सब वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन बेस्ड वीडियो बनाता रहूं और एक ही क्वेश्चन में मैं एक टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा एक क्वेश्चन जो है 20 मिनट तक हो सकता है, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मुझे 20 मिनट तक लग सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर, देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ने क्या बताया कि रिंग के अंदर क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका डीलोकलाइजेशन नहीं है, ध्यान देंगे, अगर पाई इलेक्ट्रॉन है जो रिंग में, उसमें अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो एरोमेटिक इवन सभी कंडीशन अप्लाई हो रहे हो, लेकिन अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है तो ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, इसी ध्यान रखना। और फिर क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैज 4n+2π, मतलब जो है इस रूल को फॉलो करना चाहिए, इस रूल को 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना ही चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में होना चाहिए, जिससे उस बेसिस के आधार पर हम लोग उसको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हमने रखा है एंटी एरोमेटिक, ध्यान दीजिएगा एंटी एरोमेटिक। अब देखिए इसमें अगर हम देखें, ध्यान दें यहां पे इस केस में, तो देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 4, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एंटी एरोमेटिक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं एंटी एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक तो ये हो गया। अब नॉन एरोमेटिक में हम लोग आया, तो देखो नॉन एरोमेटिक में क्या होता है कि इसमें क्या हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिक करेक्टर का, ध्यान देंगे एरोमेटिक इसमें क्या होगा, इसमें भी आप ध्यान दे दीजिए, अगर इसमें हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें मतलब इसे पाई टू पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ देखिए जैसे 2π इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2π इलेक्ट्रॉन और कहीं पे है, जैसे हम लोग कहीं और देख सकते हैं, तो जो 2π इलेक्ट्रॉन्स वाला होगा वो क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा, लेकिन इसमें हाई क्या, देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इवन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये 2π ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसमें 4π यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एंटी एरोमेटिक मतलब जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें क्या हो 4n इलेक्ट्रॉन हो, ये ध्यान रखना है आपको 4n इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो 4n हो, ठीक है, मतलब रिंग है, एक रिंग में है जिसमें केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 ही इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वो आपका एंटी एरोमेटिक होगा, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं एरोमेटिक है। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन चलते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखो ये है आपका एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, रिंग स्ट्रक्चर 6π है, देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 6π इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 6π इलेक्ट्रॉन्स है, भी एरोमेटिक है, ये भी आपका क्या है 6π इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये आपको जानते होंगे कि ये आपका हो गया बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ठीक है, ये नेफ्थलीन हो गया, और ये क्या हो गया एंथ्रासीन, ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, ये बेंजीन हो गया, ये देखो ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है और ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, इतने को तो विशेष ध्यान रखना है कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं कुछ कंपाउंड लेते हैं जिसमें देखते हैं कि क्यों ये एरोमेटिक नहीं है, ये चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्यों ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे और जिससे हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि एरोमेटिकसिटी के लिए, तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा बेटा कि इसमें यही हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा एरोमेटिक है। तो इतने सारे क्वेश्चन से एक बार मैं अपना इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ जिससे टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। इसको आपको सब नोट कर लेना, इसके बाहर कोई भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इतना अगर आप नोट कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड टॉपिक में कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिसिटी देख लेते हैं। अब देखो हम लोग एरोमेटिसिटी,
ठीक है। अब एरोमेटिसिटी के लिए क्या रूल है, क्या रूल है ध्यान देंगे, कोई कंपाउंड एरोमेटिक का होगा जब इस रूल्स को फॉलो करेगा। तो क्या रूल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल मीन्स, और प्लेनर कब होता है, कब प्लेनर होगा, जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब इसमें क्या हो कि जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरे की अगर हम लोग बात करें, देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दूसरी बात हो गई, ठीक है। उसमें क्या होना, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कर दीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, देयर मस्ट बी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। और चौथा अगर हम देखें यहां पे, देखो यहां पे चौथा देखें यहां पे ध्यान देंगे, तो इट मस्ट फॉलो मीन्स इट मस्ट हैज 4n+ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी को क्या हम लोग कहते हैं, इसी को हाकल रोल भी कहते हैं, हाकल रोल। अगर कोई मॉलिक्यूल है इतने सारे चीजों को शो कर रहा है तो श्योरली वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ये तीनों क्राइटेरिया कोई मॉलिक्यूल शो कर रहा है, ध्यान देंगे ये तीनों क्राइटेरिया शो कर रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जैसे 2π हो, ध्यान दें 6π हो, 10π हो, 14π इलेक्ट्रॉन्स हो, 18π, 22π डॉट, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक। जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, देखो जैसे हम देख लें ऐसे, ये देखें ये आपका एरोमेटिक हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा ध्यान देना, इसमें क्या होगा 2π इलेक्ट्रॉन्स हो, कैसे देखो 4n+1 4n+2 पाई, देखिए इसमें रिंग नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 4 × 0+2 पाई, तो ओवरऑल क्या जाएगा 2π सिस्टम हो गया। इसमें देखो 6 हो जाएगा, कैसे होगा देखो 4 रिंग है इसमें n2 1, ध्यान देंगे 4 × 1+2 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए पाई, तो क्या जाएगा 6π, ठीक है। ऐसे ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपीनियम आयन, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा बेंजीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नैप्थलीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एंथ्रासीन हो जाएगा साइक्लो, मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीज ऐसे ध्यान रखना है कि अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं और अभी के तीनों रूल फॉलो किए जा रहे हैं तो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा अगर हम लोग देखते हैं इसमें देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक, जैसे मान लीजिए देखो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, ध्यान देंगे ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये बड़ा सीधा सा एग्जांपल है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉन एरोमेटिक पे, तो नॉन एरोमेटिक में हम लोग क्या देख लेते हैं कि नॉन एरोमेटिक में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे, देखो इवन ये रूल फॉलो हो सकता है, ठीक है, ये तो होगा,
ये है, सपोज करिए देखो हमने क्या कहा, देखो जैसे एक मैं बना रहा हूँ, देखो ऐसे हमने बना दिया, देखो वन ऐसे में बना दिया, ये ठीक है, ये देखिए इसमें ध्यान देंगे ये आप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे ये नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये देखिए ये आपका नॉन एरोमेटिक, क्यों, कि इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, एसपी टू हाइब्रिडाइज है, और अब देखिए लेकिन क्या है इसमें, ये हकल रूल फॉलो कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन क्या है इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है ये हो गया। अब कुछ हम लोग ऐसे कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें क्या हो, जैसे मान लीजिए ये देखो ये हो गया, या ऐसे कर दिया, मतलब कोई भी ऐसे हो जाए, कोई भी कंपाउंड हो जाए, इसका मतलब नहीं, देखो अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, ये देखो यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये आपका एरोमेटिक होता है, ये आपका एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन मतलब एरोमेटिसिटी के सारे गुण फॉलो होते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन टाइप का है, उसको आप देख लीजिए ऐसे, ये ये भी इंडेन जिसे कहते हैं इंडेन, ठीक है, जैसे इंडेन गैस होता है इंडेन, ठीक है। तो ये चीज ये भी आपका एरोमेटिक होता है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। हाँ कुछ कंपाउंड जैसे मान लीजिए ये होगा, देखो ये चीज आप देख लो, जैसे क्या हो गया पाइरिडीन, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। फिर इसको हम लोग ले लेते हैं, देखो इसमें ये भी एरोमेटिक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ऐसे इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, जो लोन पेयर होता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है, ये हो गया। फिर इसको भी हम लोग देख लेंगे, ये देखो ये हो जाए, देखो ये भी क्या है आपका एरोमेटिक, क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है इसको इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन, तो अल्टरनेट मतलब जो है एरोमेटिसिटी के सारे मतलब कंडीशन फुलफिल करता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। तो इससे एरोमेटिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने करवाने का प्रयास किया बेटा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक चाहिए या कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये टॉपिक छूट गया है, इसमें इससे रिलेटेड कोई टॉपिक अगर आपको मिस हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करें कि ये टॉपिक छूट गया, मैं अपना उस पर वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच।